Review de crianças subjetivas. Good morning, दोस्तों. तो आपको दिखाती हूँ मैं बाहर का व्यू. आपको उठाया मैंने सुबह 6 बजे, सो रहा था. ओके बाय. वो देखो वहां जाके देखते हैं. सूरज पड़ रहा है उस पे और चमक रहा है वो. अब शाइन कर रहा है. देखो कैसे मस्त लाइन दिख रही है ना. ये देखो ऊपर चांद भी दिख रहा है. आज तो बिल्कुल क्लियर है यार. मस्त हो गया हमारे लिए तो. आपको ये अभी तक बता रहे थे कि पूरी रेंज नहीं दिख रही थी, पर आज पूरी रेंज दिख रही है यहाँ से. गुड मॉर्निंग दोस्तों. सुबह 6 बज रहे हैं और आपको व्यू दिखा दिया हमने मुंशियारी से. ये है छोटा सा मुंशियारी, पर बहुत ही सुंदर है व्यू. तो मतलब ब्रेथ टेकिंग है. और आज ही क्लियर हुआ है, रात बारिश हुई है तो आज देखो कितना क्लियर दिख रहा है यहाँ से. मजा ही आ गया. और तो आपको अगर ये दिख जाए ना तो क्या चाहिए. ये देखो अभी यहाँ से सूरज निकल रहा है और वेव्स दिख रही हैं यहाँ से. देखो कैसे रोशनी आ रही है. और अब हम वेट कर रहे हैं कि कब उस पर पड़े. वैसे तो पड़ रहा है थोड़ा थोड़ा, पर जब पूरा निकलेगा तो कैसा दिखेगा. अभी नज़ारा देख लो आप मुंशियारी का कैसा दिख रहा है. प्रकट होने वाले हैं सूरज देवता. ये पेड़ आ गया है यहाँ पे ना, इसलिए मुझे खड़ा होना पड़ेगा. और ये देखो कौवा बैठ के कौवा बैठा हुआ है. नहीं ये तो बस ऐसे ही बैठा हुआ. तो सनराइज हो गया है. देखो कैसा दिख रहा है मस्त. अरे क्या धूप आई है एकदम से पूरी जगह पे. वो देख क्या रेंज से पूरी उधर कलर चेंज हो गया एकदम से. अभी हम ग्रे ग्रे हो रहे थे, अब हम बिल्कुल कलरफुल दिख रहे होंगे आपको. यार सूरज के निकलते एकदम क्या सीन हो जाता है ना. नीला आसमान दिखने लग गया. इतनी देर से नहीं दिख रहा था नीला आसमान. सनराइज देख लिया हमने मुंशियारी का. और सबसे बड़ी बात कि इतना सही लग रहा है ना. एकदम अभी डार्क डार्क हो रखा था, अब हरा हरा दिख रहा है सब. यहाँ पे इतना मस्त लग रहा है. मजा आ गया भाई. सुबह उठने का फायदा हो गया. मैं तो ऐसी उठी थी सुबह 6 बजे, मेरा अलार्म लगा तो मैंने कहा बजा 6 बजे का. मैंने कहा चल देख लेती हूँ बाहर दिख रहा है क्या कुछ. ऐसे उठी थी मैं. जब बाहर आई मैं तो भाई बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल एकदम. मैंने फिर अप्पू को उठाया. मैंने कहा अप्पू ये व्यू नहीं दिखेगा तुझे कभी. तो सुबह के 8 बज गए और अब देखो अब व्यू थोड़ा चेंज हो गया है. मैं दिखाती हूँ आपको. तब थोड़ा ब्लर आ रहा था तो मैंने कहा थोड़ी देर वेट करा जाए और तब आपको दिखाऊंगी. अब थोड़ा क्लियर हो गया है. देखो है ना, बस सूरज की किरणें पड़ रही है. मुझे तो लग रहा है सनसेट बहुत सुंदर लगेगा यहाँ से. क्या कहते हो अप्पू? क्या कहते हो अप्पू? अप्पू कपड़े धो रहे हैं. पता नहीं अप्पू इज बिजी इन माइंडिंग होम बिजनेस. कपड़े धोने में. चलो मैं हेल्प करवा देती हूँ थोड़ी देर. तुम करो. तो दोस्तों अब आपको ले चलते एक नई जगह पे. आप यहाँ तो देख ही सकते हैं कि कितना सुंदर है यहाँ. पर इससे भी बढ़िया जगह जो मेरी फेवरेट जगह होती है, अगर आप मेरे को जानते हो तो आपको पता होगा, एक नहाने की जगह ढूंढी है. इसलिए मैंने कपड़े चेंज नहीं करे, वही कपड़े पहने हुए, क्योंकि अब गीले तो हो नहीं है. तो मैंने कहा वहाँ जाके चेंज करूँगी मैं. तो देखो चलते हैं आपको एक नई जगह लेके. बने रहिएगा, वीडियो में बहुत कुछ होने वाला है. और ये भी आप देख रहे हैं मुंशियारी की वादियाँ. तो आपको दिखा देती हूँ मैं दिन में कैसा दिख रहा है हमारा मुंशियारी. यहाँ पे मार्केट भी है. और भी पूछूंगी मैं आगे कि और क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं. अभी एक नई जगह लेके जाते हैं आपको, बहुत ही मजा आने वाला है वहाँ पे. और जो नहाने के और पानी के ज्यादा शौकीन है हर चीज के, उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है वो जगह देखना. आहा क्या लुक है यार, इनसे तो निगाहें ही नहीं हट रही है भाई. तो चलिए आपको लेके चलते हैं एक बढ़िया जगह. और अभी तो आप देख रहे हैं ये वादियाँ कितनी बढ़िया है. हाँ हाँ हाँ, बस सड़कें थोड़ी और बढ़िया होती ना तो और मजा आ जाता. क्या मस्त व्यू आ रहा है ना. आंखों को मतलब तो रिलैक्स मिल रहा है. वर्थ हो गया भाई जो कल हमने कष्ट झेले ना वो सड़क के.
उसने रिव्यू ने अच्छा दिखा दिया हमें। यहाँ पे तेल की इतनी ज्यादा दिक्कत है, 2 दिन से पेट्रोल खत्म हो रखा है यहाँ पे, तो मुंशियारी में तेल ही नहीं मिल रहा। हमारे हमारे साथ एक और फैमिली आने वाली थी, मतलब बेटा और पिताजी, तो इंदौर से उन्होंने बोला कि चलो हम भी आपके साथ चलते हैं, और पर उनको तेल नहीं मिला बाइक पे, बाइक रेंट पे ले ली पर तेल नहीं है उस पे, तो अभी वो वेट कर रहे हैं वहाँ पे कि तेल होगा, हम लोग बताएंगे कि तेल है आगे तो वो आ पाएंगे, ऐसा सीन हो रखा है। तो बड़ी तेल की बड़ी दिक्कत है, जब भी आप इधर आए तो जहाँ पे आपको मिले टैंक फुल करवा लो आप। और व्यू तो वही था, मस्त है मस्त। आपको देखना हेलमेट छोड़ के जा रहा है किसके लिए, पर्स छोड़ के आ गया रूम पे बेवकूफ। ऐसे कौन करते हैं भाई, ऐसी पहाड़ी जगह पे तेल नहीं मिल रहा, कोई हमें खाने को नहीं मिला, कैश में कैश देना पड़ा था। पर्स ना लाने का एक बार फायदा कि खर्चा भी नहीं होता। अच्छा खर्चा बचा रहे हो तुम, खर्चा बचा। वाह वाह वाह, तो घर से नहीं लेके आना था ना, घर से मुझे लग रहा है पेट्रोल चला ले आया। अच्छा खर्चा बहुत बचता कर तेरे को अकेले में, अकेले आदमी खाते हैं लड़कियों पे, फिर भी तरस खाते हैं लड़कों पे नहीं। हाँ रास्ता तो भाई था आज का भी खतरनाक लग रहा है, पर व्यू आप देखोगे तो मजा ही आ जाएगा, जो कि अप्पू नहीं देख पा रहे अभी। नहीं अप्पू तुझे नहीं देखना, चुप रहो तुम बाइक चलाने पे ध्यान दो, तुम मेरा वीडियो देखना बाद में। नहीं देखूंगा मैं, ऐसे नहीं करते, पता नहीं क्या सीन रहता होगा, कुछ होता होगा यहाँ पे, नहीं बन पाती होगी सड़क यहाँ पर, और कहीं कहीं ऐसी मतलब हालत खराब हो जाती है कि भाई तो वापस भी आना है सड़क से, ऐसा सीन हो रहा है। देखो जरा क्या मक्खन सड़क है यहाँ पे, और व्यू देखो आप जरा, आए हाय मक्खन व्यू। हाँ सच में यार, अरे सड़क आती है तो ऐसे जान में जान आ जाती है ना। वाह चलो भाई, ये देखो ये रीजन है आपकी सड़कें टूटने का, लैंडस्लाइड पे लैंडस्लाइड, नो पेन नो गेन। ये देखो जरा ये है ना मिलन ग्लेशियर का रास्ता है यहाँ से, और जॉल जी भी है यहाँ से। अरे यार उल्टा हो गया दिखेगा अभी दोबारा दोबारा दिखेगा, जॉल जी भी है 59, जो कि बहुत टफेस्ट रूट बताते हैं यहाँ से मुंशियारी आने के लिए, मतलब फर्स्ट नंबर पे है वो। और ये जो यहाँ पे बटकोट पे हम जा रहे हैं, ये भी बोलते हैं कि बहुत मतलब टफेस्ट रूट में से आता है ये भी। मेरे ख्याल से जॉल जी भी बागेश्वर से आती है ना, तो एकदम ही ढलान आ जाती है। जैसे कोशिश तो उन्होंने की होगी है बनाने की, पर ये टिकती नहीं होगी जल्दी, पर ये कि रिपेयर वगैरह नहीं हुई होगी टाइम से। आज रिवर का रंग थोड़ा बदल गया है, कहीं बारिश हुई है ना, अच्छा रात बारिश हुई थी ना मुंशियारी में, तो रिवर का रंग चेंज हो गया है, वरना तो कल बिल्कुल हरी हरी सी दिख रही थी। आप मत देखो मैं देख नहीं पा रहा। पुल पर एक समय पर एक ही गाड़ी जाएगी, कहीं भी देख लो ब्यूटी ब्यूटी है, जैसे हमें नॉर्थ ईस्ट में दिख रही थी ना ब्यूटी, वैसे ही कुमाऊं में बहुत ब्यूटी है। मेरे को तो खाली पत्थर दिखाई दे रहे रोड पे। दिखाई दे रहे ब्यूटी तो तू देख रही है, और अपने व्यूअर्स को दिखा रही हूँ। ये देख रहे हो आप व्यूअर्स कितने लकी हो, इन छोटे छोटे घरों से जो ब्यूटी होती है ना पहाड़ों की, इनसे ही मिलती है, इनको देख के थोड़ा सा अच्छा लगता है, सीनरी वाला फील आता है, वरना खाली पहाड़ भी इतने अच्छे नहीं लगते। जब ये घर होते हैं तो ये ब्यूटी बढ़ा देते हैं चीजों की, और बादल और भी ज्यादा। ओ भाई साहब देखो जरा कितनी ढलान है यार,
तो ये पुल क्रॉस करना है हमें, क्या करना है? तो पुल तो बन रहा है अभी, पुल बनानी है अभी, उधर से जाना है आगे से। पहले ही कर लेते हैं काम, हम पुल क्रॉस कर लेते हैं। अब तो बनाना ही पड़ेगा, क्या बोलेंगे हमारे बारे में। अब वो वाला नेक्स्ट बार, नेक्स्ट टाइम हम लोग उस पुल को क्रॉस करेंगे जब हम आएंगे वापस, नहीं जब नेक्स्ट ट्रिप में आएंगे। हाँ, धारचूला पिथौरागढ़ वो भी कवर करना है, पर इस ट्रिप में नहीं, नेक्स्ट टाइम हम करेंगे। अरे बाप रे, खतरनाक ही है। अरे ये तो बहुत लंबा पैच है यार। इसमें ना पैरों में ज्यादा दर्द हो जाता है, जोर लगाना पड़ता है ना। आपके तो हाथों में दर्द हो जाता होगा? हाथों में दर्द और बहुत चल रहा है। हाथ में नहीं होगी अपू कंप्लीट। तो कभी सोच रहा हूँ कि आते हुए तुझे यही सड़क मिल रही है। रास्ते में बड़े लंबे लंबे पैच है वैसे, देखते आगे कैसा रहता है रास्ता। पर इसमें फिर भी इतने पत्थर नहीं थे तो ठीक से निकल गई गाड़ी, उछल नहीं जाना। मुझे लग रहा है जहाँ पे नदी बह रही है ना उस तरफ जा रहे हैं हम लोग। हाँ, तो उसके बगल में तो होगा वो गर्म पानी। हाँ, वैसा नहीं होगा जैसे खीर गंगा में था ना, हाइट पे मतलब ऊपर की साइड है ना वो, तो तत्ता पानी। हाँ, तत्ता पानी की तरह ऐसा, ये तत्ता पानी की तरह होगा। तो हम लोग एक ऐसी जगह जा रहे हैं यहाँ पे जहाँ पे हॉट स्प्रिंग है, तो आपको वही दिखाने के लिए जा रहे हैं। और अभी बाइक स्केट हो गई थी। माय गॉड की कसम भाई साहब, मैं तो पैदल चल लूंगी भैया। छोड़ दो मुझे, पूरा ही रास्ता ऐसा लग रहा है ये तो मुझे। नहाले पानी में, तू नहाले पानी में? हाँ, मैं तो वहां जाऊंगी जहाँ अभी लेके जा रहे हैं आपको। अब आपको को चढ़ाई चढ़ने में अच्छा लग रहा होगा ना? चढ़ाई अच्छी लग रही है मुझे तो। चढ़ाई अच्छी लग रही है। क्या है भाई, रोलर कोस्टर राइड पे ले जा रहे हो क्या? गॉड, यहाँ पे तो 4x4 सही रहेगी ना गाड़ी? थार बढ़िया रहेगी, थार यहाँ बढ़िया रहेगी। विभूत की थार लेके आते हैं फिर कभी। देगा थोड़ी वो, एक काम करेंगे। हाँ, विभूत से नहीं मांगेंगे, विभूत के भाई से मांग लेंगे लाल वाली। हाँ, अरे वाह, मजे की जगह बेचारा। हाँ ये सही, विभूत से नहीं मांगेंगे, उसके भाई से मांग लेंगे। देखो फिर से रोलर कोस्टर राइड। यहाँ तो ध्यान ही नहीं है भाई किसी का। यहाँ आपका ध्यान है और मेरा ध्यान है बस। सड़क तो ऐसे लग रहा है सदियों पहले बनी होगी भाई। तो यहाँ सड़क बनाएगा ना, जो 24 है उसे वोट दो। कट करिए, सुन लो आप। अरे हाँ, देखो के पास आ गए हम लोग। ओ भाई साहब, क्या है बहुत ही एकदम ढलान कर रखी है।
ये तो ट्रैकिंग वाला रास्ता है, इन्होंने ना सड़क बना दी। वापस आते हुए क्या होगा, मैं तो ये सोच रहा हूँ। ओ भाई साहब, मोड़ो पे तो ढंग से रोड होनी चाहिए। अच्छा हम कल ऐसे भी नहीं आए। हाँ वैसे तो वो हलिया टॉप भी हो रहा है अंकल जी, उनकी एज देख के लग नहीं रहा था कि वो मतलब इतना ऊंचा जा सकते हैं। पैदल चलना अच्छी होती है ना। हाँ बाइक में तो जैसे थोड़ी दिक्कत होती है वो तो। हाँ यार ये भी है, ये देखो कहाँ से आई है गाड़ी, दिख रही थी नहीं, ये देखो यहाँ पता चल जाएगा वापस आते क्या होगा। अयो रामा, अरे बाप रे, ओह गॉड, इतना बुरा हाल है कि ब्रेक बोल जाता है हमारा, इतनी भयंकर ढलान है ना यहाँ पे, बहुत खतरनाक रास्ता है। अच्छा वो अंकल जी और हमारे साथ नहीं आए, पता नहीं वो, मुझे पता नहीं है एक्चुअली कैसी बाइक मिलती ना, आप दूसरे की बाइक आप रेंट पे लेके आ रहे हो तो सही नहीं रहता, अपनी बाइक का तो पता रहता है आपको कि कैसे ब्रेक लगेगी क्या रहेगा, रेंट की बाइक पे आप इस ऐसे रास्ते पे मतलब बहुत रिस्की रहता है, या तो बंदा इतना एक्सपीरियंस हो कि मतलब वो कहीं पे भी जा सकता है बाइक लेके। अप्पू को मैं तो सोच रही हूँ भाई साहब हैट्स ऑफ करना पड़ेगा, अप्पू यहाँ ले आया मुझे। हैट्स ऑफ तब होगा जब वापस पहुंच जाएंगे। वापस पहुंच जाएंगे, वापस चढ़ाई ज्यादा खत्म आ गई। हाँ बिल्कुल, 45 डिग्री से भी ज्यादा लग रहा है मुझे तो। तुम्हें लोग पर डराते हैं, सब करते हैं, ऑनलाइन लोग डराते हैं, कब डरोगी बेटा? जब आप बोलोगे कि मैं नहीं जा रहा। डरना सीखो यार, मेरी भी गलती है, मैं हाँ ही करता रहता हूँ। वही तो, आप बोल देते कि भाई मोनी मैं नहीं जा रहा, मैं थक गया हूँ आराम करूंगा आज। मोनी मैं नहीं जा रहा हूँ आगे। आप चुप रहे, आप पे हाथ तक आ गए, देख नदी नीचे दिख रही है बिल्कुल पास में। कभी तो नहीं बोलता, 22 किलोमीटर तो है, चले जाएंगे। ऑनलाइन देख लिया कि इंडिया की सबसे खतरनाक सड़कों में से एक है ये। अरे ये चले जाएंगे, मैं भी पानी पी लूं यार। एक तो मैं जैकेट पहन आई हूँ और यहाँ बिल्कुल जरूरत नहीं है जैकेट की, इतना गर्म लग रहा है ना मुझे। जैकेट पहन के रखा यार, ये तो हवा जाती है इसमें, इसमें नहीं जा रही ना मेरी वाली में। मैं पैदल चलने लग गई हूँ क्योंकि मेरे घुटनों में दर्द हो गया है, वो बैलेंस बनाने की वजह से, इतने पत्थर है ना तो थोड़ा बैलेंस बनाना पड़ रहा है, उसमें उछल रही है गाड़ी बहुत ज्यादा, स्किट भी खा रही है। तो अब वो आ रहा है, मैं फटाफट भाग के जाती हूँ आगे। ये तो फटाफट आ जाएगा यार और फिर बिठा देगा मुझे। मैं सोच रही थी थोड़ा आराम से आएगा वो, मैंने कहा थोड़ा मैं आगे जा रही हूँ, पर ये तो मुझे लग रहा है कि एकदम ही आ जाएगा। और यहाँ पे सड़क भी सही है, अबे यार यहाँ तो मैं भी आराम से बचा सकती थी। खेल लो आ गया। नहीं रही तो रुक जा, बहुत पिटेगा, चल तो यहाँ से, चल मैं आती हूँ। से बच रही थी फिर वहीं बिठा दिया। कोई लोगों ने देखा होगा 4 किलोमीटर आप लोगों ने देखा होगा सड़क पे लगते हैं माइलस्टोन। सड़क तो देखो इन्होंने 10 साल पहले बनाई होगी और माइलस्टोन ऐसा लग रहा है कि अभी पिछले साल ही लगाए होंगे। माइलस्टोन तो कुछ नहीं होता है, इसलिए लगाए हैं ये माइलस्टोन क्योंकि लोगों को तसल्ली रहेगी बस अब थोड़ा सा ही रह गया है, इतना और आपको दुख झेलना पड़ेगा। पुराना मानो होली है, पुराना मानो होली है तो बाल्टी भर के पानी डाल दो आज। तो मुझे लग रहा है कि अब हम पास है अपनी मंजिल के। कल ये पानी इतना साफ था, पता नहीं या तो ये दूसरी रिवर हो सकती है। जो काला पत्थर, काला पत्थर तो हमने वहां था ना सिक्किम में। अब ये पहाड़ तो नहीं चढ़ाएंगे ना हमें फिर से बेटा, अभी तो मॉर्स दे लो। 4 किलोमीटर बचा है बस। 4 किलोमीटर चलो फिर। तो अभी हम आ गए हैं बिल्कुल नदी के पास।
बाप रे, आपको की तो हालत खराब होती ही होती है, मेरी भी हो जाती है वही पीछे बैठे बैठे। अरे मुझे कुछ भी नहीं हो यार, चुप रह तू, उसको दर्द नहीं होता बड़ा। रह रहे दो, तीन किलोमीटर लगा दिया है जंगल में भैया, मजबूत यही रहेगा आगे। और वो हॉट स्प्रिंग किधर है, वो जो गर्म पानी पानी वाला, वो सोच रहे आगे है। थैंक यू। मैं सोच रही थी सड़क पे ना आना पड़े हमें और इसी पे आ गए हम, क्योंकि दूर से मुझे दिख रही थी कि ये पूरी कच्ची की कच्ची है, उस रोड से देख रही थी मैं। मैंने कहा यार वो सामने वाली सड़क तो और भी ज्यादा वो लग रही है, पतली सी ऐसी, इतनी गर्मी लग रही है मुझे तो, गर्म पानी का अभी इतना हो नहीं रहा, मन कर रहा है कि ठंडे पानी में जाके बैठ जाओ। काश पास में ऐसा कुछ वो भी हो ना, पहले ठंडे में फिर गर्म में, बढ़िया था तत्ता पानी में। बाकी बिजनेस, और अभी हम लोग मत कोर्ट पहुंच रहे हैं और अपने डेस्टिनेशन को ढूंढ रहे हैं। यहाँ तो पहले ही गर्म हो रहा है, देखते हैं वहाँ जाके कैसा लगता है। या तो मैंने जैकेट पहनी हुई है इसलिए लग रहा है मुझे गर्म हो रहा है। हो रहा है, झरना ढूंढते हैं फिर पर हमारा बदन इतना दर्द हो रहा है ना, हमने कहा चलो आज रिलैक्स करते हैं, सिकाई करते हैं। गर्म पानी वाला की तरह तो एक और हॉट स्प्रिंग हमारी लिस्ट में जुड़ गया। अभी तक हमने, हाँ होने वाला है, अभी तक खीर गंगा, मणिकरण और सत्ता पानी और भी किया है, मैंने किया है बचपन में, बद्रीनाथ गलत आ गए थे, थोड़ा आगे आ गए। मुझे लग रहा था कि वो एक मंदिर सा देखा हुआ लग रहा है, फोटो में फोटो दिखाई थी ना वो, देखा तो हमारे दोस्त बन गए थे वहीं पे दिल्ली के, हमारे साथ ही उनका रूम था तो उन्होंने दिखाया था ये जगह, तो फोटो मुझे लग रहा था कि पीछे एक मंदिर गया है, ऐसी जगह मैंने देखी है कहीं। हेलो सर, हाँ उतरो, भाई मेरा तो ठंडे पानी में नहाने का दिल हो रहा है कहीं से ठंडे पानी की धारा भी आ रही हो, मजा ही आ रहा है यार, वो थोड़ा रिस्की लग रहा है कहीं बारिश आने पड़ा है ऐसा लग रहा है कि हम लोग ही हैं यहाँ पे और कोई नहीं है, यही है तो नहीं, अरे यही तो ना, तुम तो यही पे बाइक ले आए, बाइक का लगाओगे मतलब तुम पे बाइक तो तुम कहीं भी घुसा दोगे क्या। जैसे हमें खीर गंगा में, मणिकरण में, हर जगह में पता चलता है ना कहाँ से आ रहा है पानी, यहाँ पे पता नहीं चल पा रहा, और तत्ता पानी में भी नीचे से आता है पानी। देखो कितनी बड़ी गिर गई, ओ भाई साहब क्या लग रही है यार, ये है जहाँ से गर्म पानी जो आ रहा है, पर आ कहाँ से रहा है ये समझ नहीं आ रहा मुझे, इसमें उतरने का इसी में फायदा, हाँ क्योंकि सिकाई एक साथ होगी ना बदन की तो मजा तो आएगा, तभी थकान उतरेगी। तो हम आ गए हैं यहाँ तत्ता पानी टाइप है, पर ये खुली हवा में है और नदी भी बह रही है, पानी देखो कितना साफ है, गर्म मतलब इतना वह तो मणिकरण जैसा गर्म नहीं है यार, पर है यहाँ बैठने का भी है। क्या सिकाई हो रही है ना, माय गॉड मजा ही आ रहा है, रिलैक्स मिल रहा है यार अप्पू। कैसा लग रहा है, अब निकलने का दिल नहीं हो रहा, पहले घुसने का दिल नहीं हो रहा था। वादियां देख रहा हूँ, वादियां कितनी अच्छी हो रही है, ओनली प्राइवेट पूल है हमारा प्राइवेट पूल पर हॉट प्राइवेट हॉट पूल, दूर से जो आए हैं हम लोग, क्या मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, क्या मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, क्या रहा है? हो रही है, गर्दन में दर्द हो रहा था ना बेटा, हम लोग यहाँ से तो फुल टैन होने वाला है, कोई नहीं
टाइम कर लेंगे ये पानी वहां मिल जाए ना मुंशियारी में सब लोग वहीं डूबे रहेंगे बिल्कुल कोई बाहर ही निकलेगा सिंचाई तो मस्त हो रही है यार गर्दन का जो डर था ना इतना मजा आ रहा है ना परफेक्ट टेम्परेचर है इसका ना ज्यादा ना कम जो गर्दन में जो दर्द हो रहा है ना वो रिलैक्स धीरे धीरे उसको रिलैक्स मिल रहा है तो मेरी बॉडी पूछ रही कौन सा दर्द अब ऐसे फील आ रहा है ना क्या होता है यार जब हम उस पे गए थे तत्ता पानी वाले में तब तो मुझे तैरना भी नहीं आता था अब अगर हम चलेगा ना बेटा मैंने वहाँ लैप मार देने 10-15-20-25 लैप मार देने मैंने वो यू हो जाएंगे वो तो खत्म ऐसे जाऊंगा रोटेट मार के सीधा धार 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 ऐसे चलूंगा बाहर निकल के अच्छा लग रहा है अभी अंदर जाऊंगी फिर अच्छा लगेगा बहुत ही मजेदार था यहाँ पे हमने यहाँ पे भी नहाया वहाँ पे जो फ्रेश वाटर आ रहा है वो भी उस पर भी नहाए हम लोग पर यहाँ पे बस एक दिक्कत हो रही थी मक्खी ऐसे आ रही थी ना जैसे बदला लेने आ रखे होंगे मोटी मोटी मक्खियाँ और वैसे नहीं आ रही वो बस जब हम पानी में नहा रहे हैं तभी आ रही है वो जब हम गंदक के पानी में नहा रहे हैं और व्यू आप देखोगे ना इतना अच्छा है ना यहाँ का ये देखो नदी बह रही है ऐसी जगह कहाँ मिलती है यार मैं आपको नसीब वाली समझती हूँ मुझे इस जगह का पता चला तो कैसी लगी आपको ये जगह है ना बढ़िया ऐसी सुंदर जगह पे आपको सिकाई करने को मिल जाए गंदक वाटर मिल जाए और क्या चाहिए इसके लिए आपको एक थम्स अप तो करना ही चाहिए ना एक लाइक जरूर करिएगा और अगर अच्छी लगी है जगह और भी आप कोई जगह जानते हैं जहाँ पे ऐसे ही स्प्रिंग वाटर है मुझे बहुत अच्छा लगता है वहाँ पे सिकाई मिलती है और अच्छा भी होता है आपकी सेहत के लिए साल में एक दो बार आपको जाना चाहिए मेरे ख्याल से ऐसी जगह पे तो मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि कहाँ पे है और इस टाइप के और मैं ज़रूर वहाँ पे भी विज़िट करना चाहूँगी मुझे पता तो चले बस मैंने खीर गंगा करा हुआ है और बाकी तो मैं बता चुकी हूँ आपको अगर आपने मेरा पूरा वीडियो देखा होगा मैंने 3-4 कवर कर रखे हैं ये हमारा 4th हॉट स्प्रिंग था तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा भाई यहाँ पे तेल की बहुत दिक्कत है हम लोगों को मुंशियारी में बोला था कि यहाँ मनकोट में मिल जाएगा तेल पर यहाँ पे भी तेल नहीं मिल रहा तो यहाँ शॉप से बॉटल से भरवाना पड़ेगा तो आपको तेल का ध्यान रखना है पेट्रोल का मुंशियारी में 2 पेट्रोल पंप है और वहाँ पे भी नहीं है तेल और यहाँ पे भी नहीं है सही जुगाड़ बना रखा कीप का बस बाइक सही रहे हमारी तेल तो हम बढ़िया ना वहाँ पे तो तेल ही नहीं मिल रहा बिल्कुल बिल्कुल खत्म हो रखा है दोनों पेट्रोल पंप में और 2 दिन से बोल रहे हैं वहाँ तेल नहीं है आज बोल रहे आएगा यार वही तो बात है ना मत यार अरे कोई नहीं कोई दिक्कत नहीं बेचारी घबरा गई कोई आता तो है नहीं अब ये लोग कहाँ से आ गए वो देखो अब आ गया कि नहाने बेटा पानी का फ्लो देख रहा है तो नीचे कितना तेज चल रहा है वहां तो जाने की जगह ही उसी तरह नदी में घुस रहा है पानी ऐसे तो रास्ते ये तो बहुत लंबा पैच है मुझे याद है अंधेरे में मिला था हमें ये तो नहीं है हाँ वो आगे हम एक आएगा एक वो जो पुल जहाँ बन रहा है तो ये मोड़ पे भयंकर भाई साहब ये वाले में मुझे बड़ा डर लगा था मोड़ पे ना उस टाइम तो जब हम लोग वापस जा रहे थे तो एक गाड़ी आ रही थी सामने से एकदम ही चढ़ाई है यहाँ पे एकदम ही मुझे अच्छा लग रहा है कि चढ़ के जाना है अच्छा बार बार ब्रेक लगाना बाइक संभालना पड़ता है
ये तो है। अच्छा पूरे टाइम क्लच दबा रहता है क्या ढलान में? ओ बेटे की गियर से निकालना डेंजरस है ना। अच्छा गियर में रहेगी तो मेरा कंट्रोल रहेगा। अगर न्यूट्रल डाल दिया मैंने तो दोस्तों हम लोग आ गए रूम पे अब और व्यू देखो अब खत्म हो गया है। अच्छा हुआ मैंने सुबह उठ के आपको दिखा दिया था व्यू। अब बादल आ गए हैं यहाँ पे और वैसे भी सुंदर लग रहा है यहाँ। तो ये मुनशारी की मार्केट है जो हम देख रहे हो। मुझे तो ये सबसे हैपनिंग शॉप यही लग रही है यहाँ पे। और वहाँ हम रुके हैं पांडे लॉज में। तो अभी हम लोग एक नई जगह जा रहे हैं देख तो देखते हैं क्या रहता है वहाँ से व्यू। बोलते हैं कि सनसेट वहाँ से बहुत सुंदर दिखता है तो हम लोग सनसेट देखने जा रहे हैं। अगर ये बादल नहीं हुए तो और अच्छा दिखेगा बट देखते हैं। ये सनसेट पॉइंट पे ही रास्ता है क्या? हम लोग गलत जा रहे थे तो हमने छोटे बच्चे जा रहे थे बच्चे उनसे पूछा कि हम कहाँ अब हम सही जा रहे हैं। अब उन्होंने बोला चौराहे से जा रहे हैं। देखो सुबह देखा मैंने कितना क्लियर व्यू दिखाया था अभी मैं बादलों के साथ दिखा रही हूँ। कौन है अंकल जी? हैं वहाँ क्या कर रहे हैं अंकल? अकेले घूम रहे हो? अरे यार तेल तो होते नहीं यहाँ पे पेट्रोल पंप बना रखे हैं भाई साहब। बहुत दिक्कत है यहाँ पे तेल की। इवन अल्मोड़ा में नहीं मिला हम लोगों को तेल। पेट्रोल आ गया कब आएगा? फुल करवा लेंगे। अब किधर जा रहे हैं? वाह तुम पेट्रोल का पूछने आए थे? वाह वाह कितना मस्त हो रहा है। इधर ही चले क्या? यहाँ पे हम फोटो शूट खींच कर सकते ना मस्त। देख कितना सही है व्यू पूरा। देखो हमारा कैंप पूरा हम रात यहाँ बिताने वाले नहीं ऐसा कुछ नहीं है। चलो एक स्पॉट घेर लो तुम बस और आगे मत जाओ यार। उतर भी जाऊंगा ये देखना क्या बोल रहे हैं। चढ़ भी जाऊंगा अब नहीं। आपको अच्छा लगा ना मुनशारी? अरे अलग ही सीन है भाई। मैं तो सोच रहा हूँ उस रोड पे ना ऐसे निकलता जाऊं और मैं वो पीक पे पहुंच। बेटा ये नीचे जा रही है मेरे ख्याल से ना मुझे कहीं पे दिख रहा था वो। देख कौन सा रास्ता है नीचे? वो देख जो नीचे जा रहा है ना वो मंदिर पे दिख रहा है मेरे ख्याल से। वो ना घूम के आ रहा है नीचे। आधा किलोमीटर मेरे ख्याल से ये टाइम के हिसाब से बोलते हैं। आधा घंटा मतलब आधा किलोमीटर हो सकता है। आधा घंटा लगेगा वहां जाने मेरे। मुझे भी यही लग रहा है कि इतना क्लियर और मतलब पूरे पहाड़ दिख रहे हैं यहाँ से। इतना अच्छा व्यू तो मेरे ख्याल से नहीं मिलता। बाकी कल जाएंगे वहाँ पे। ये पहाड़ बने कैसे होंगे यहाँ? ये वो गिरे थे ना मेट्रॉइड्स बहुत सारे गिरे थे। अच्छा क्या बोल रहे एलियंस के काम? देखो बहुत तरीके से बने हैं पहाड़। अरे नहीं मेरा मतलब है कि ये जो रॉक्स हैं हो सकता है ये स्पेस से आई। रॉक कौन सी रॉक? तांजे तो मेरे को मीटियोर हो सकता है। कभी जब अर्थ का फॉर्मेशन होता था बहुत सारे मीटियोर्स लगे गिरे थे। गिरते रहते थे। सच में क्या? हाँ जी तुम पढ़ो ना इस बार। और दूसरा ये टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से भी बने। दो प्लेटें टकराई अजूबा है वैसे। माउंट एवरेस्ट तो ऐसी बनी है ना टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराने से। तो बस फिर वो ऐसे खड़ी हो गई जैसे हम लोग ऐसे टकराया ना वो यूं हो गए। ये मुझे वैलिड रीजन ये भी है और वो भी दोनों ही चीजें ना। मुझे ये वाला वैलिड रीजन लग रहा है। वो तो है क्या फोर्स होती होगी यार। पर क्या व्यू आ रहा है। मैं तो वो फोर्स छोड़ दे तू वो व्यू देख तू। ये पांचोली है ना हमारे सामने? हाँ ये पांचोली है। एक दो तीन चार पाँच और पांचों की पांच उसके बाद कोई और। मैं तो जब हमने सबसे पहली बार ग्लिम्प्स देखा था ना जब हम रास्ते में आए थे मैंने रोकी थी बाइक। मैंने कहा यार क्या दिख रहा है ये इतना ऊंचा। हमने कोई चांगला वगैरह भी इतना ऊंचा नहीं देखा। खैर हम तो सब खुद भी हम हाइट पे यार। हम लोग वो भी तो काफी ऊंचा था यार। खारदुंगला था चांगला था कंचनजंगा तो बहुत दूर था ना ऐसे। पर वो बहुत हाँ मतलब कहीं अगर सपोज हम ऐसी जगह पहुंच जाएंगे कंचनजंगा इतनी दूर है हमसे तो हम उससे उसको देख के भी सरप्राइज ऐसे ही होंगे। कंचनजंगा के टू बोलते हैं उसे। मैं पता है सुबह बैठ के ना मैं देख रहा था कि अगर मुझे सबसे ऊपर वाली जो है ना अगर इस पे जाना होगा तो मैं कौन सा रास्ता पकड़ूंगा। मैंने कहा डायरेक्ट चढ़ना तो बेवकूफी रहेगी। नहीं सुपरमैन वाला रास्ता सही है। पागल है लिफ्ट मांग लेना। नहीं यार मेरे को हाइट से डर लगता है। वाह मतलब ऐसे वो यहाँ से उड़ा के ले जाएगा मुझे तो मैं तो रास्ते में अटैक आ जाएगा। ऐसे ऐसे लोग भी है। अच्छा मैं ये सोच रहा था कि जो उसके लेफ्ट में छोटे वाला है ना उस पे चढ़ना है और फिर पीक्स पकड़ के बिल्कुल ऐसे और बिल्कुल ऐसे जाना वो एक सेफेस्ट रूट है। ए लड़की चल ये पकड़ निकल यहाँ से। मतलब ही लोग दोस्तों ये सब जानने के लिए जानने के लिए
जो अभी हम राइट नाउ देख रहे हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, तभी आप जान पाएंगे बैकग्राउंड म्यूजिक बहुत अच्छा चल रहा है, व्यू कैसा होगा, फॉलो भी करें, व्यू कैसा होगा। हाँ वही मस्त दिख रहा है यार, जो भी हम देख रहे हैं ना मस्त दिख रहा है। शिफ्टिंग चल रही है यहाँ पे, फुल शिफ्टिंग चल रही है। कौन छुपा हुआ था ये देखो, ये बिल्कुल सामने है हमारे और उसके आगे कुछ नहीं है, ये देखो मेरे पैर और ये देखो व्यू। तो कहते पैर पर्वत पे रखा हुआ, बिल्डिंग्स हैं अभी वहाँ पहाड़ पे बिल्डिंग्स, पर हमारे आगे तो कुछ नहीं है ना, हमारे आगे हैं वो यार, किसके आगे हो? देखो तुम कैसे ऑरेंज दिख रहे हैं, डायरेक्ट कनेक्शन हो रहा है तुम्हें, उसके लेफ्ट में क्या चमक रहा है वो, थोड़ा सा वो तो तुम जाके देख पाओगे। चलो निकलते हैं अभी, पहुंच जाएंगे शाम तक, रात तक, रात तक पहुंच जाएंगे, पहुंचते हुए वो भी उठा के लेके जा रहा होगा। सनसेट हो चुका है, ठीक है, ठीक है, और अब बिल्कुल बादल साफ हो गए और अब देखो क्या क्लियर दिख रहा है, जैसे सुबह दिख रहा था ना वैसे अब दिख रहा है। अच्छा, मतलब थोड़े बहुत है यहाँ पे बादल, ठीक है, पर क्लियर देख रहे हो आप लोग। और अभी अप्पू ने मुझे दिखाया है ग्लेशियर, मैं अच्छा। आपको जूम करके दिखाने वाली हूँ वो ग्लेशियर, ठीक है, ये देखो दिखा आपको, अच्छा ये पूरा ग्लेशियर है, ठीक है, मुझे लग रहा है सबसे बड़ा यहाँ पे यही वाला जो पानी, जो जो इतना पानी आता है ना मुंशियारी में, यहीं से आ रहा है। और एक और दिखाया था जो सबसे ऊंची चोटी है, अभी आएगी, अभी आएगी, अच्छा। ये और एक ये रहा देखो, ठीक है, थोड़ा क्लियर कम आ रहा होगा पर मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, आपने देख लिया बिल्कुल जूम करके, हमने तो पता इतना है। इतना भी देख लिया है कि वहाँ पे कौन चल रहा है, आपको बोल रहा है कि वहाँ पे कोई आदि, अरे आदि मानव नहीं, वो क्या कहते हैं उन्हें, आइस मैन क्या बोलते हैं, हिम मानव चल रहे हैं, दो तीन देखे मैंने, अच्छा अरे थे यार वो, पता नहीं क्या खड़े रहते हैं, हमें देखते हैं वहां से, उनकी नजरें बहुत दूर तक देखते हैं, कई किलोमीटर, पता है उनकी आई साइट, अरे उन्हें थोड़ी 6x6 नहीं है उनकी, 10x10 है उनकी, 100x1000 होती है उनकी आंखें, वो ऐसे हमें देख रहे होंगे जूम करके। तो ये सब मिले हैं हमें यहाँ पे और उनको बहुत नॉलेज है फोन की, अब हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, अच्छा। और मिलते हैं अगले दिन, ठीक है। मेरे को वीडियो अपलोड करने में थोड़ी दिक्कत हो रही है पर प्लीज कोऑपरेट करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा मेरे वीडियो को अगर आप नए हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।